अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में जो मोबाइल है रिपेयरिंग के लिए आपके सामने है, हुआवे का Y7 Prime। इसकी बैटरी फूल चुकी है जिसकी वजह से सेट काफ़ी हद तक ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बैंडेड हो चुका है। ये देख लिया इसकी बैक साइड वगैरह, जो बैटरी फूलने की वजह से काफ़ी हद तक जो है वो सेट बैंडेड हो चुका है। तो लिहाजा आज की इस वीडियो में मैं आप तमाम दोस्तों को मुकम्मल तरीक़ेकार बताऊँगा कि आप किस तरीके से अपने हुआवे Y7 Prime की बैटरी जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपके सामने बैटरी है हुआवे Y7 Prime की, जो अभी सेट में मैं डालूँगा। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ, और जो दोस्त अभी नए हैं मेरे चैनल को वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मोबाइल रिपेयरिंग से आने वाली हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। सबसे पहले हम इसका सिम ट्रे टूल जो है वो सपोर्ट करते हैं, उसके बाद एक फ्लिपर की मदद से इसकी बैक वाली साइड को जो है वो सपोर्ट करते हैं। ये पहले तो काफ़ी हद तक खुल चुके हैं, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, ये बआसानी जो है वो खुल जाएगी। ये देख रहे हैं आपके सामने है, ऐसा ऐसा करें खोलेंगे, ये काफ़ी बैटरी के फूलने की वजह से पहले ही काफ़ी हद तक जो है वो खुल चुकी है। ये अब जो बाकी रह रही है हम ऐसा ऐसा करके इसको भी जो है खोल लेंगे। ये आपके सामने है, इसकी बैक जो है वो तकरीबन सेपरेट हो जाएगी। ये आपके सामने है, सबसे पहले तो हमने इसका फिंगरप्रिंट जो है वो सेपरेट कर लेना है, जो इसकी बैक वाली पैनल पे लगा हुआ है। इसको उतारने के बाद अब हमने इसकी बैक जो है वो साइड से आहिस्ता करके रिमूव कर लेनी है, जैसे कि ये करनी है। अभी इस साइड से रहती है तो लिहाजा इस काम में आपने जल्दी नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता करके इसको जो है खोलना है। इस साइड पे इसकी कम वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगी है, ये इसलिए खोलने में थोड़ा तंगी कर रहा है। ये आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा गम लगी हुई, इसकी वजह से ये खुलने में थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा था। ये अब खुल चुका है, इसके बाद इसकी बैटरी जो है इसकी हम स्ट्रिप को सेपरेट करते हैं। स्ट्रिप को सेपरेट करने के बाद अब हमने ये इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये बैटरी है, अगर इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे फ्लिपर का तो ये डैमेज होने के चांसेस है। लिहाजा आपने एक रबड़ पेपर लेना है और इसके ज़रिए से आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो है वो इन करना है। ये देख लें बैटरी काफ़ी फूली हुई थी और इस सेट से बिल्कुल ईजीली जो है वो सेपरेट भी हो चुकी है। ये आपके सामने है बैटरी जो है वो सेपरेट हो चुकी है। अब हम इसकी जगह जो है वो नई बैटरी जो है वो इस सेट में इंजेक्ट करेंगे। आपके सामने नई बैटरी, अब सेट में वैसे ही लगाते हैं जैसे पहले बैटरी निकाली थी। लगाने के बाद ये देख लें अब इसकी बैटरी लग चुकी है, उसके बाद इस पर गम वगैरह लगा देते हैं, थोड़ी सी आहिस्ता पे करके आपने गम लगा देनी है। ये वाली गम है हमें थोड़ी थोड़ी करके सेट में लगा देनी है, ठीक है। और उसके बाद इसकी बैक वाला पैनल जो आपने पहले खोला था उसी तरीके से इसकी बैक फिंगरप्रिंट स्ट्रिप ये वाली आपने सेट में दोबारा उसी तरीके से लगा देनी है जैसे आपने पहले सेट से निकाली थी। ये फिंगरप्रिंट इसका लग चुका है, तो इसकी बैक वाली सेल को आहिस्ता आहिस्ता करके इस सेट पे दोबारा जो है वो फिट कर देना है, और आहिस्ता से सारी सारी साइड को प्रेस करते जाना है ताकि ये इसके साथ मुकम्मल जो है वो बैठ जाए। ये आपके सामने है, या बिल्कुल जो इसकी साइड्स वगैरह हैं वो बिल्कुल इसके साथ सेट के साथ जो है वो फ्लिप हो गई। अब इसमें सिम जैक टूल इंजेक्ट करते हैं, और अब ये देख लें हमने इसकी बआसानी जो है वो बैटरी तब्दील कर ली है। ये देख लें जी अब सेट मुकम्मल जो है वो ऑन हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।